एडवांस्ड सोशियो लिंग्विस्टिक्स को समझने के लिए द कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्स एंड कॉन्सेप्ट ऑफ जियोग्राफी समझने की जरूरत है। सो इन दिस वीडियो वी लर्न दैट व्हाट इज सेक्स एंड व्हाट इज जियोग्राफी। सेक्स बेसिकली बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो डिफाइन करती हैं कि एक इंडिविजुअल मेल है, फीमेल है या इंटरसेक्स है। तो सिंपल टर्म्स में अगर देखें तो फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल डिफरेंसेस बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स, जिसमें रिप्रोडक्टिव एनाटॉमी शामिल है, सेक्स क्रोमोसोम्स शामिल है और हार्मोनल प्रोफाइल शामिल है। ये चीजें क्या है ये हम आगे थोड़ा डिटेल में देखते हैं। सो अकॉर्डिंग टू एन, एक कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल ट्रेट है जो कि डिटरमिन होता है कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक, एनाटॉमिकल, हार्मोनल एंड रिप्रोडक्टिव फैक्टर से, और वो डिफाइन करता है कि किसी भी इंडिविजुअल का सेक्स क्या है। सो अब ये जेनेटिक, एनाटॉमिकल, हार्मोनल और रिप्रोडक्टिव फैक्टर्स क्या हैं, इनको वन बाय वन देखते हैं। जेनेटिक सेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स जो कि हम इनहेरिट करते हैं बायोलॉजिकली अपने पेरेंट्स से, उसको डिफाइन करता है। सो टिपिकली फीमेल्स जो हैं उनमें दो एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, जबकि मेल्स में एक एक्स क्रोमोसोम होता है और एक वाई क्रोमोसोम होता है। और जो इंटरसेक्स कंडीशंस हैं उनमें बेसिकली जो क्रोमोसोम्स हैं वो वेरी कर जाते हैं। तो उनमें डबल एक्स या एक्स वाई की बजाय डबल एक्स वाई या एक्स ओ, ये एक बायोलॉजिकल चीजें हैं जो कि बायोलॉजी में पढ़ाई जाती हैं, तो उसकी वजह से इंटरसेक्स कंडीशंस डेवलप होती हैं। सो जेनेटिकली मींस क्रोमोसोम्स में जो डिफरेंस होता है जो कि बायोलॉजिकली पेरेंट से इनहेरिट होता है। एनाटॉमिकल सेक्स मींस के फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोडक्टिव एनाटॉमी की, जिसमें जेनिटेलियाज हैं हमारे, मींस के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो हैं, और फिर उनका जो इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या सिस्टम है, तो वो एक सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है। जैसे कि फीमेल्स में डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट या मेल्स में डेवलपमेंट ऑफ फेशियल हेयर। सो इसमें जिस तरह के टेस्टिस हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड है या पेनिसेस हैं, तो ये ओवरीज हैं, यूटरस है, ये सारी चीजें हमें एनाटॉमिकली डिफरेंट करती हैं मेल्स को और फीमेल्स को। फ्रॉम हार्मोनल पॉइंट ऑफ व्यू लेवल्स और पैटर्न्स सेक्स हार्मोन्स के डिफरेंट होते हैं मेल्स में और फीमेल्स। तो हार्मोन्स में टेस्टोस्टेरोन है, एस्ट्रोजन है जो कि बॉडी में मौजूद होते हैं, तो टिपिकली मेल्स में लेवल टेस्टोस्टेरोन का ज्यादा होता है जबकि फीमेल में टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम होता है, और एस्ट्रोजन जो है वो फीमेल्स में ज्यादा होती है, तो उनकी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करती है। और जो हार्मोनल इंबैलेंस है उससे डिफरेंट कंडीशंस डेवलप होती हैं जो कि सेक्सुअल डेवलपमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को अफेक्ट करती हैं। और बायोलॉजिकल सेक्स जो है ये एक एसेंशियल एस्पेक्ट है ह्यूमन का बायोलॉजी और रिप्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये जरूरी है कि हम ये समझें कि सेक्स एग्जिस्ट करता है और उसके स्पेक्ट्रम्स और पैटर्न्स डिफरेंट होते हैं, और ये सिंपल एक बाइनरी क्लासिफिकेशन नहीं है कि सिर्फ मेल्स या फीमेल्स नहीं होते, ये बियॉन्ड दैट क्लासिफिकेशन है। इंटरसेक्स इंडिविजुअल्स होते हैं जो कि ट्रेडिशनली मेल में और फीमेल में फिट नहीं कर रहे होते, तो उनको एक थर्ड कैटेगरी इंटरसेक्स के तौर पर जाना जाता है। और एडिशनली जेंडर आइडेंटिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो बायोलॉजिकल सेक्स से भी डिफरेंट है, और एक इंटरनल सेंस होती है किसी भी इंडिविजुअल की कि वो खुद को मेल कंसिडर करता है, फीमेल कंसिडर करता है, ये कोई और जेंडर आइडेंटिटी के तौर पर खुद को कंसिडर करता है, जो कि बायोलॉजिकली अलाइन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, जिसमें आजकल लेटेस्ट जो LGBTQ का जो एक कॉन्सेप्ट चल रहा है, जिसमें लेस्बियन, गे, बायसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर और क्वीर जो सेक्स आइडेंटिटीज हैं उनसे रिलेट करता है। नाउ वी लुक एट व्हाट इज जियोग्राफी। जियोग्राफी इज द स्टडी ऑफ अर्थ्स लैंडस्केप एंड एनवायरमेंट, और इनका जो आपस में स्पैटियल रिलेशनशिप है। स्पैटियल मींस थ्री डायमेंशनल, लैटिट्यूडनल एंड longitudinal and altitudinal, four-dimensional or three-dimensional. So interaction between the human and their surroundings, इसको हम जियोग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। सो सिंपली वी कैन से जियोग्राफी एग्जामिन करती है फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ, जिसमें माउंटेन्स हैं, रिवर्स हैं, क्लाइमेट्स हैं, और ह्यूमन एक्टिविटीज और फिनोमेना जो कि स्पेसिफिक लोकेशन और रीजन के हिसाब से चेंज होते हैं। खाने चेंज होते हैं, ड्रेसिंग चेंज होती है, और मीन्स हमारे बिहेवियर्स पे हमारी जो सराउंडिंग है वो इम्पेक्ट करती है। जो हम खाते हैं, जो हम पहनते हैं, जिन मौसमों में हम रहते हैं, वो हमारी पर्सनैलिटी को एज ए ह्यूमन बींग और हमारी सोसाइटीज को शेप करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू रिचर्ड द साइंस ऑफ स्पेस एंड प्लेस ऑन अर्थ सर्फेस, इसको हम जियोग्राफी कहते हैं। उसको अगर हम एडवांस्ड सोशियो लिंग्विस्टिक परस्पेक्टिव से डिस्कस करें तो उसमें एक कॉन्सेप्ट है फिजिकल जियोग्राफी का। अर्थ के जो फिजिकल प्रोसेसेस हैं
और फीचर्स हैं नेचुरली जो लोग चल रहे हैं उनको जो फोकस किया जाता है, जिसमें लैंड फॉर्म्स हैं, क्लाइमेट है, सॉइल है, वेजिटेशन है, इकोसिस्टम है। तो फिजिकल जियोग्राफी में स्टडी ऑफ माउंटेन्स, रेनफॉल कहाँ पे ज्यादा होती है, कम होती है, डेजर्ट्स कहाँ पे ज्यादा हैं, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स और जो बायोम्स हैं जिनमें ये सारी चीजें शामिल हो जाती हैं, डेजर्ट्स, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, इनकी स्टडी को फिजिकल जियोग्राफी में लिया जाता है। ह्यूमन जियोग्राफी एक्सप्लोर करती है रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड देयर एनवायरनमेंट। सो इसमें पैटर्न्स ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, अर्बनाइजेशन, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, कल्चरल लैंडस्केप और पोलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी चीजें शामिल हैं। सो मीन जो लोग कोस्टल एरियाज में रह रहे हैं वो लोग उन लोगों से डिफरेंट हैं जो कि माउंटेनस एरिया में रह रहे हैं, और वो लोग उन लोगों से डिफरेंट हैं जो लोग डेजर्ट्स में रह रहे हैं। सो ह्यूमन जियोग्राफी जो है उसमें माइग्रेशन पैटर्न क्या है ह्यूमंस का, अर्बन डेवलपमेंट कैसे हो रही है, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस क्या है लोगों की, और डिफरेंट कल्चरल ट्रेड्स और डिफ्यूजन क्या है उनकी, ह्यूमन जियोग्राफी में स्टडी की जाती है। जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम जिस ये टूल है जो कि जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में, उसको स्टोर करने में और एनालाइज और विजुअलाइज करने में स्पैटियल डाटा को यूज होता है। इसकी एप्लीकेशंस में जो मैपिंग है कि हम पॉपुलेशन की डेंसिटी को किस तरह मैप करें, किस तरह एनवायरनमेंट की जो चेंजेस हैं उनको मॉनिटर करें, और ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क फॉर एग्जाम्पल हमने प्लान करना है तो किस तरह हम एक ओवरऑल पिक्चर लें किसी भी जगह की सोसाइटी की कि वहां पे हम ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज कहाँ पे दें और कैसे दें, और नेचुरल रिसोर्सेज को किस तरह मैनेज करें, ये सारा हम जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम से हेल्प लेते हैं। एक और कॉन्सेप्ट है कार्टोग्राफी, ये आर्ट एंड साइंस की मैप मेकिंग है और बहुत क्रूशल रोल है इसका जियोग्राफी में, और ये रिप्रेजेंट करती है स्पैटियल रिलेशनशिप एंड फीचर्स एंड फिनोमेनास। फॉर एग्जांपल कार्टोग्राफिक प्रोडक्ट्स जो हैं उनमें बर्ड मैप्स हैं, उसके बाद टोपोग्राफिक मैप्स हैं, उसके बाद थीमेटिक मैप्स हैं जिसमें पॉपुलेशन डेंसिटी हमें नजर आती है, लैंडस्केप नजर आता है, मैप पे पता लगता है कौन सी जगह पे कितनी पॉपुलेशन है, और डिजिटल मैपिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, ये सारे कार्टोग्राफी में आते हैं। एनवायरमेंटल जियोग्राफी फोकस करती है इंटरेक्शन बिटवीन ह्यूमन एंड देयर नेचुरल एनवायरमेंट और उनके इश्यूज के, क्लाइमेट चेंज का, पोल्यूशन का, रिसोर्स मैनेजमेंट का और कंजर्वेशन, ये जो चीजें हैं ये सारी एनवायरमेंटल कैटेगरीज में आ जाती हैं। सो एनवायरमेंटल जियोग्राफी स्टडी करती है कि किस तरह ह्यूमन एक्टिविटीज इकोसिस्टम को इंपैक्ट कर रही हैं और किस तरह कुछ जो स्पीशीज हैं दुनिया में वो एंडेंजर्ड स्पीशीज में चली गई हैं ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से, खत्म होने वाली हैं वो दुनिया से, और स्ट्रेटजीज के हमने किस तरह एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट करनी है कि हमने इकोसिस्टम को भी डिस्टर्ब नहीं करना और ह्यूमंस ने थ्राइव भी करना है और प्रोग्रेस भी करना है और जीना भी है। कल्चरल जियोग्राफी ह्यूमन कल्चर किस तरह शेप होते हैं और वो किस तरह एनवायरमेंट उनको इंपैक्ट करता है शेप करने में। इसमें कल्चरल लैंडस्केप्स की क्रिएशन और डिफरेंट आइडियाज और इनोवेशंस किस तरह हम इन्फ्यूज करते हैं और डिफ्यूज करते हैं जिससे आइडेंटिटीज कंस्ट्रक्ट होती हैं और स्पेसिफिक प्लेसेस जो हैं उनके मीनिंग्स डिफाइन होते हैं। कल्चरल जियोग्राफी में रोल ऑफ रिलीजन क्या है लैंडस्केप को शेप करने के लिए, और थ्रू आउट ग्लोबलाइजेशन कौन से कल्चर्स ऐसे हैं जो पॉपुलर हो रहे हैं और जो जगहों के नाम हैं, ये लैंडमार्क्स हैं, ये कल्चरल आइडेंटिटीज हैं, प्लेसेस हैं, उनकी सिग्निफिकेंस क्या है, इसको हम कल्चरल जियोग्राफी की डोमेन में लेते हैं। सो जियोग्राफी अगेन एक डाइवर्स और इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है जो कि वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स और मेथड्स जो हैं उनको अंडरस्टैंड करने में और जो कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शंस हैं बिटवीन ह्यूमन एंड देयर एनवायरनमेंट अक्रॉस स्पेस एंड टाइम उनको समझने में हेल्प करती है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। थैंक यू वेरी मच।